वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लॉ एक्स बाई स्मार्ट किड़ा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम रोजाना क्लैट एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स के दो इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। सो टुडे इज 6 जनवरी। आइए देखते हैं 6 जनवरी से रिलेटेड वो कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके आने वाले क्लैट एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे सेशन आप सभी के सामने। ये रहा पहला न्यूज, आपसे क्या क्या रहा है ध्यान से देखेंगे। पहला न्यूज है स्वेल वेव्स के बारे में। ये स्वेल वेव्स क्या होते हैं एंड रिसेंटली इससे रिलेटेड क्या अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे। सो स्वेल वेव्स लाइकली टू हिट सेवरल कोस्टल एरियाज। सो यहां पे स्वेल वेव्स जो है ये बहुत सारे कोस्टल एरियाज में देखे जाने वाला है और इसी से रिलेटेड एक अलर्ट जारी किया गया है कि आपको नेसेसरी प्रिपरेशन करने की जरूरत है अगर मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन को रोकना है तो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम किन बातों पे फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे न्यूज को, उसके बाद न्यूज को और भी ज्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। स्वेल वेव्स क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट को समझेंगे, ये कैसे डिफरेंट है सुनामी से, ऑल्सो भैया व्हाट इज कलकड़ल, ठीक है, ऑल्सो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसने ये पर्टिकुलर अलर्ट जारी किया है, इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में भी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज को समझते हैं। सो द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसे हम इनकोइस कहते हैं, इसने फोकास्ट किया है दैट हाई सी वेव्स ऑल्सो नोन एज स्वेल वेव्स। हम स्वेल वेव्स को ही क्या कहते हैं, सी वेव्स कहते हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है। तो हाई सी वेव्स कह लो या स्वेल वेव्स कह लो, इससे रिलेटेड एक अलर्ट जारी किया गया है बाई अ बॉडी जिसे हम इनकोइस कह रहे हैं। इनकोइस ने फोकास किया है कि जो सी वेव्स है या स्वेल वेव्स है ये कोस्टल एरियाज को हिट करने वाला है। किन स्टेट्स के कोस्टल एरियाज को, तो आप देखो गोवा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, है ना, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका, गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार। सो ये कुछ स्टेट्स एंड यूटी है जो कि जिनको अलर्ट, जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया है बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी कि भैया हाई सी वेव्स हिट कर सकते हैं इन स्टेट्स के कोस्टल एरियाज को। अब सी वेव्स जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो कि ज्यादा खतरनाक है, अगर ये हिट करेगा तो कुछ डिस्ट्रक्शन भी करेगा, तो इसीलिए ये फोकास किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है, ताकि जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंटिटीज है, वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके, नेसेसरी रेमेडीज ले सके, ताकि इस पर्टिकुलर डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके या पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। ठीक है, चलिए और डेप्थ में न्यूज को समझते हैं। अर्लियर स्वेल वेव्स हैड इनअंडेटेड कोस्टल एरियाज इन सेंट्रल एंड सदर्न केरला गिविंग एंशियस मूवमेंट टू कोस्टल कम्युनिटी एंड प्रॉम्प्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी टू बी इन अलर्ट मोड। स्वेल वेव्स हैड फ्लडेड बीचेस अलोंग द कोस्टल एरियाज इन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अल्पुजा एंड तिरुशल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी केरला के अंदर ये स्वेल वेव का केस देखने को मिला है। केरला की कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे तिरुवनंतपुरम, कोलम, अल्पुजा एंड त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। द फेनोमेनन इज रेफर्ड टू एज कलकड़ल लोकली इन केरला। तो यहाँ पे देखिए केरला के जो लोकल्स हैं, जो कोस्टल रीजन्स में रहते हैं, वो लोग स्वेल वेव्स को या हाई सी वेव्स को किस नाम से जाते हैं, तो कलकड़ल के नाम से जानते हैं। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जिसने ये फोकास्ट किया है, अलर्ट जारी किया है, हैज वॉर्न्ड दैट द सी विल बी रफ नियर श्योर ड्यूरिंग द स्वेल वेव इवेंट। इट हैज कॉशन फिशरमैन एंड कोस्टल पॉपुलेशन एंड अर्ज्ड फॉर टोटल सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज
एट बीच नियर शोर रीजन। तो यहाँ पे इनकोइस जो बॉडी है इसने फोरकास्ट किया है, अलर्ट किया है इन पर्टिकुलर रीजन्स में जहाँ पे ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये स्वेल वेव हिट कर सकती है, और वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, जो फिशरमैन हैं, जो कि पानी में जाके मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो उनको अपने ऑपरेशंस पूरी तरीके से सस्पेंड करने का अर्ज किया गया है ना, इनसे रिक्वेस्ट की गई है। अब समझते हैं व्हाट आर स्वेल वेव्स। स्वेल वेव्स होते क्या है? सो दिस वेव्स आर फॉर्मड बाय एन ओशियन स्वेल, हिंस द नेम स्वेल सर्ज। तो भैया स्वेल का, स्वेल शब्द कहां से आया? तो भैया इसके फॉर्मेशन से आया। अ स्वेल इज अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव जनरेटेड बाय डिस्टेंट वेदर सिस्टम दैट प्रोपगेट थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अक्रॉस ओशियंस एंड सीज। स्वेल वेव्स आर नॉट जनरेटेड बाय लोकल विंड्स। याद रखना, दिस पर्टिकुलर स्वेल वेव्स जो है ये लोकल विंड्स के जरिए जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है? इंस्टेड दे आर द रिजल्ट ऑफ द इंटरक्शन ऑफ सीवियर स्टॉर्म्स। इनका वजह होता है सीवियर स्टॉर्म, ठीक है, विद अ लार्ज फेच ऑफ वाटर। जब सीवियर स्टॉर्म आता है तो अपने साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी लेकर आता है और ओपन ओशन वाले रीजन में इस पानी को फेंक दिया जाता है। तो याद रखने वाली बात है, स्वेल वेव्स जो है ये लोकल विंड्स के वजह से जनरेट नहीं होता है, बट सीवियर स्टॉर्म की वजह से जनरेट होता है। सीवियर स्टॉर्म अपने साथ बहुत अमाउंट ऑफ वाटर लेके आता है और ऐसे ही रीजन में फेंक देता है जहां पे पानी नहीं है, और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन काफी होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब सर, सुनामी एंड स्वेल वेव्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे भी समझ लेते हैं। सो अनलाइक स्वेल वेव्स, अ सुनामी इज अ सीरीज ऑफ एनॉर्मस वेव्स, है ना। सुनामी में भैया सीरीज ऑफ वेव्स जो है वो इकट्ठा होता है, वो जनरेट होता है, क्रिएटेड बाय एन अंडर वाटर डिस्टर्बेंस यूजुअली एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक अकरिंग बिलो और नियर द ओशन। भैया देखिए, जैसे स्वेल वेव जो है वो एक्सट्रीम स्टॉर्म की वजह से होता है, इन द केस ऑफ सुनामीज, सुनामीज यहाँ पे जनरेट होता है अर्थक्वेक की वजह से। जब ओशन के पास या ओशन के अंदर की धरती में अर्थक्वेक के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या अर्थक्वेक आता है, तो वो सीरीज ऑफ वेव्स बनाना शुरू कर देता है, और इसी सीरीज ऑफ वेव्स की वजह से सुनामी देखने को मिलती है। सुनामीज आर अराउंड 10 टाइम्स फास्टर देन स्वेल वेव्स, ऑल्दो बोट स्वेल वेव्स एंड सुनामी स्लो डाउन नियर द कोस्ट, द लैटर हिट लैंड एट 30-50 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखोगे स्वेल वेव्स एंड सुनामीज, ये दोनों जो है, सॉरी सुनामीज जो है ये 10 गुना ज्यादा रफ्तार से हिट करता है स्वेल वेव्स के मुकाबले, बट स्वेल वेव्स जो है ये लैंड को 30 से लेकर 50 किलोमीटर आर की स्पीड से हिट करता है, तो डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पे काफी होता है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस समझा कि स्वेल वेव्स फॉर्म क्यों होते हैं, तो स्वेल वेव्स जो है वो सीवियर स्टॉर्म की वजह से, ना कि लोकल विंड्स की वजह से। बस सुनामी, इन द केस ऑफ सुनामी, अर्थक्वेक या तो ओशन सी के बगल में या तो ओशन के अंदर, जब अर्थक्वेक आता है तो सीरीज ऑफ वेव्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से सुनामीज आते हैं, इसकी रफ्तार तेज होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि केरला के जो लोकल्स हैं, जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जो फिशरमैन हैं, वो स्वेल वेव्स को कलक्कड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कलक्कल के नाम से जानते हैं। तो कलक्कल शब्द कहां से आया, इसे भी डिस्कस करते हैं। सो कलक्कल इज अ कॉलोक्वियल टर्म यूज बाय द बाय केरला फिशरमैन टू रेफर टू फ्लैश फ्लडिंग इवेंट। मलयालम कलन मिल्स थीफ और मिस्चीवियस। तो मलयालम भाषा में कलम का मतलब होता है चोर, या मिस्चीवियस बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी करने वाला, एंड कड़ल मींस सी। तो फिशरमैन यूज द टर्म कलक्कड़ टू रेफर द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ हाई स्वेल वेव्स ड्यूरिंग गुड वेदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मलयालम शब्द, यहाँ पे देखिए कलक्कड़ को, यहाँ पे पहले कलक्कड़ का, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए कलन का मतलब होता है मिस्चीवियस या फिर थीफ, है ना। कड़ल का मतलब होता है सी। तो सी जब मिस्चीवियस तरीके से बिहेव करता है ऐसे वेदर में, जब वेदर बिल्कुल शांत हो, जब वेदर
सुटेबल ना हो ऐसे फ्लडिंग इवेंट्स के, उस इवेंट में जब हाई सी वेव्स आता है या स्वेल वेव्स आता है, इस वजह से भैया इसका नाम कलक्कड़ रखा गया। अकॉर्डिंग टू वेदर एक्सपर्ट द फिनोमेना इज ट्रिगर्ड बाय स्टॉर्म्स। मैंने बताया जब ह्यूज स्टॉर्म्स, ठीक है, सो ट्रिगर्ड बाय स्टॉर्म्स एज फार अवे एज द अंटार्कटिक रीजन। कलक्कड़ आर कॉज बाय मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इन द सदर्न ओशन साउथ ऑफ 30 डिग्री साउथ। ठीक है, तो आपने अभी समझा कलक्कड़ जो है ये कलन एंड कड़ल नाम से बना हुआ है। कलन जो है इसका मतलब होता है थीफ या फिर मिस्चीवियस, एंड कड़ल जो है इसे सी कहा जाता है इन मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द ओशन बेसिंग द स्वेल इंटेंसिफाई व्हेन इट एनकाउंटर अ कोस्टल करंट, अ फेनोमेना नोन एज रिमोट फोर्सिंग। कलक्कड़ यूजली अकर्स अलोंग द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मेनली ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड इन अप्रैल मई ड्यूरिंग क्लियर वेदर कंडीशन। तो आप देखोगे क्लियर वेदर कंडीशन में ये अकर होता है, जनरेट होता है ड्यू टू सीवियर स्टॉर्म्स जिसकी वजह से आप प्रिपेयर नहीं होते। ठीक है, इन 2012 यूनेस्को फॉर्मली एक्सेप्टेड द टर्म फॉर साइंटिफिक यूज। ठीक है, तो कलक्कड़ को यहाँ पे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है, याद रखना यूनाइटेड नेशंस के एक बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, आइए अब समझते हैं उस बॉडी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली, ठीक है, क्या किया है, तो अलर्ट जारी किया है कि भैया कोस्टल रीजन्स में रहने वाले लोग आप लोग अपनी ऑपरेशन को सस्पेंड कर दो नहीं तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इनकॉइस वो बॉडी है जिसे हम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से जानते हैं। दिस पर्टिकुलर बॉडी वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1999। दिस पर्टिकुलर बॉडी कम्स अंडर अ मिनिस्ट्री जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के नाम से जानते हैं। इट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ओशियन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट थ्रू सिस्टमेटिक एंड फोकस्ड रिसर्च। तो यहाँ पे इसका काम है रिसर्च करना, फोकस करना ओशन से रिलेटेड इवेंट्स को, ओशन से रिलेटेड, सी से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होंगे उससे रिलेटेड फोकस करने का काम, आरएनडी करने का काम इसका है। ऑल्सो फोरकास्ट करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है एंड ऑल्सो एडवाइजेस ये देगा भैया किसको, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को, सोसाइटी को, वहां पे रहने वाले लोगों को, ताकि पहले से प्रिपरेशन इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जा सके एंड गवर्नमेंट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एंटिटी के माध्यम से भी पहले से प्रिपरेशन कर सके। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ऑफ इनकोइस इज अ रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड सुनामी वार्निंग टू कंट्रीज ऑन द इंडियन ओशन रिम। सो यहाँ पे देखिए इनकोइस के अंदर आपको एक और बॉडी देखने को मिलेगी जो कि सुनामी से रिलेटेड डेटा के ऊपर काम करती है एंड फोकास करने का काम करती है, उन कंट्रीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि इंडियन ओशन रिम वाली कंट्रीज है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डेली एडवाइजरी टू फिशर फोक टू हेल्प देम इजिली लोकेट एरियाज ऑफ अबंडेंट फिश इन द ओशन। साथ ही साथ यहाँ पे उन एरियाज को भी टैग करती है, उन एरियाज की भी जानकारी यहाँ पे फिशरमैन्स को दिया जाता है बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी तू कि भैया फिश कहाँ पे है जिससे फिशरमैन को मदद हो। दिस एडवाइजरी कॉल पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज आर इशूड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 8 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे 8 अलग-अलग भाषाओं में पोटेंशियल फिशिंग जोन से रिलेटेड एडवाइजरी भी देने का ये काम करती है ये बॉडी टू द फिशरमैन। ठीक है, सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ टूडे सेशन। आई होप ये न्यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अगला न्यूज आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए क्या होता है, इन द ईयर 2015, इन द ईयर 2015 एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के नाम से जानते हैं।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, जिसको ऑर्गेनाइज कराता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक मीटिंग होती है इन द ईयर 2015, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के नाम से जानते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट ईयर यानी कि इन द ईयर 2023 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सी मीटिंग हुई थी एंड इसे होस्ट किस सिटी ने किया था या किस स्टेट कंट्री ने किया था। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की मीटिंग होती है इन द ईयर 2015 एंड वहां पे 17 गोल्स को आइडेंटिफाई किए जाते हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, या आप इन 17 गोल्स को ये कह सकते हो, ये 17 अलग अलग प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर पूरी दुनिया को काम करने की जरूरत है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को काम करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके सामने है, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना है। क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिप्राइव करता है लोगों को? बिल्कुल, पॉवर्टी को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पॉवर्टी को खत्म करना नंबर वन। जीरो हंगर, भुखमरी को खत्म करना है ना, भूखमरी को खत्म करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसे अडॉप्ट किया गया अमंग दो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका टारगेट ईयर भी यहां पे लिख लो। इसका टारगेट ईयर है यानी कि ऑल द कंट्रीज शुड अचीव दिस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टिल 2030। ठीक है, यहां पे आपको तीसरे नंबर पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है। सभी को एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है। सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, मैं पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ऑल्सो सिक्स्थ नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर मिलना चाहिए लोगों को पीने के लिए एंड आपके आसपास का जो एनवायरमेंट होगा वो साफ सुथरा होना चाहिए। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हमें क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करनी है। जैसे सभी कंट्रीज जो है वो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है बाय द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, बाय द यूज ऑफ विंड टाइडल, है ना, तो क्लीन एनर्जी पे फोकस करना। एंड ऑल्सो एनर्जी सबको मिलना चाहिए एट द अफोर्डेबल प्राइस, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको एक डिसेंट वर्क मिलना चाहिए एंड कोलैबोरेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी हम काम करेंगे। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम काम करेंगे। इनक्वालिटी को रिड्यूस करना है हर सेक्टर में, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को डेवलप करना है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, उतना ही प्रोड्यूस करें जितना कि कंज्यूम किया जा रहा हो। साथ ही साथ ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करें जिससे नुकसान ना हो। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन पे काम करना है, अर्थ सरफेस की टेम्परेचर जो लगातार बढ़ती जा रही है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। लाइफ बिलो दी वाटर, ओशियंस में सी के अंदर रहने वाले फिश या अजर अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी हमें सोचना है। ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना है, शांति को स्टैब्लिश करना है एंड ऑल्सो जस्टिस मिलना चाहिए सबको। एंड 17th इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, 17th नंबर है कि भैया सभी को, सभी देशों को इन सभी मुद्दे पर कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना है, फोकस होके काम करना है। तो दिस वॉज दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की मीटिंग कहते हैं, जो कि होता है 2015 में, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो दूसरा न्यूज ये है कि भैया यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रहा है कि दिस ईयर यानी कि 2024 एक बेहतरीन साल है। बेहतरीन साल इसलिए है कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, उसकी टारगेट को ट्रैक पर वापस ला सकते हैं। देखिए, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव करना है 2030 तक,
बट अभी हम उस रफ्तार से नहीं चल रहे हैं, उस डायरेक्शन में नहीं चल पा रहे हैं कि हम 2030 तक इन 17 गोल्स को अचीव कर सके। तो इसीलिए ये कहा गया कि 2024 एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है टू ऑल दी कंट्रीज, ठीक है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के ट्रैक पे वापस आ सके। ठीक है, चलिए। सो कॉन्टेस्ट क्या है? द यूनाइटेड नेशन समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड्स अचीविंग द एम्बिशियस एजेंडा 2030। डिस्पाइट बीइंग अ ग्लोबली अग्रीड अपॉन फ्रेमवर्क, प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस गोल्स हैज बीन स्लगिश विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड अदर ग्लोबल क्राइसिस एक्सेसरेटिंग द चैलेंजेस। तो यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यहाँ पे सितंबर में एक बैठक होता है जहाँ पे ये डिसाइड करने की जरूरत है, ठीक है, कि क्या ये जो एम्बिशियस डेटा है हम इसे अचीव कर पाएंगे कि नहीं, एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड क्या प्रोग्रेस चल रहा है। हालांकि कोविड-19 एंड ग्लोबल क्राइसिस, साथ ही साथ वॉर्स, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर, हमास इजराइल के बीच में वॉर, पैलेस्टीन, है ना, ये सारे मुद्दे हैं जो कि हमें रोक रहे हैं इस पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने में बाय द ईयर 2030। इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द स्टेटस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन, एक्सप्लोर की एरियाज रिक्वायरिंग अर्जेंट एक्शन, डिस्कस द फाइंडिंग ऑफ स्कॉलरली रिसर्च ऑन द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपिंग गोल्स एंड प्रपोज स्ट्रैटेजी फॉर इनहांसिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए, हमें इवेल्युएट करने की जरूरत है। कभी भी लेट से आपके 6 दिन के बाद एग्जाम है, आपने बोला कि मैं 6 दिन, इस 6 दिन के बाद एग्जाम है, तो आपने एक रूल तैयार किया कि मैं इस 6 दिन में कब क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो भैया आप पहले दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ने के बाद, है ना, आपने जो छोटे छोटे टारगेट्स रखे होंगे उन छोटे छोटे टारगेट्स को रीचेक करोगे कि क्या मैंने इस टारगेट को अचीव किया है कि नहीं, है ना। अल्टीमेटली आप 6 दिन के बाद अगर जाओगे तो हो सकता है बहुत लेट हो जाए। अपने आप को इवैल्यूएट करते हो ना एग्जाम से पहले, आप मॉक टेस्ट देते हो किस लिए? अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हम कहाँ तक पहुंचे हैं, इसका इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम ट्रैक पे हैं तो ठीक है, अगर हम ट्रैक पे नहीं है तो इससे रिलेटेड सॉल्यूशन भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? प्रोग्रेस एंड इमर्जिंग कंसर्न पर्टर्निंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड वो कौन से प्रोग्रेस, कहाँ तक हम प्रोग्रेस कर चुके हैं, एंड उससे रिलेटेड कौन सी कंसर्न्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो इनसफिशिएंट प्रोग्रेस, नंबर वन, द जर्नी टूवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज बीन मार्क्ड बाय स्लो प्रोग्रेस एंड इमर्जिंग कंसर्न्स रेजिंग अलार्म्स अबाउट द वर्ल्ड्स एबिलिटी टू मीट 2030 गोल। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रोग्रेस है ये इनसफिशिएंट है, ठीक है, काफी स्लो प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है टू अचीव दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टिल 2030, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं। कोविड-19 आया, उसके बाद लगातार वॉर देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है। Despite initial optimism following the adoption of Agenda 2030 by the United Nations General Assembly, in 2015 reports indicate that progress has been insufficient and off track. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जब से हमने चीजों को adopt किया है तब से जो हमारा goal है इसकी तरफ जो हमारा focus है ये बहुत ज़्यादा insufficient and off track लग रहा है। While there was some improvement observed from 2015 to 2019, particularly in certain areas such as poverty reduction, access to basic services, they fell far short of what is needed to achieve the ambitious goal set forth in the agenda. तो यहाँ पे देखा गया कि 2015 से 19 के बीच में हमने प्रोग्रेस किया था, प्रोग्रेस स्पेशली पॉवर्टी को रिमूव करने में, हंगर को कम करने में, या बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीजें हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए उस एरियाज में हमने अच्छा प्रोग्रेस किया। उसके बाद 2019 में कोविड आता है जिसके बाद चीजें जो है वो ऑफ ट्रैक देखने को मिल रही है। कंसर्न्स ड्यू टू ग्लोबल क्राइसिस इंपैक्ट, ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड अदर ग्लोबल क्राइसिस हैव फर्दर एक्सेसरेटेड द चैलेंजेस इन अचीविंग एसडीजी। तो इनकी वजह से
जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो पा रहे, या तो हम ट्रैक पे नहीं है सही। द पैंडमिक इन पर्टिकुलर हैज हैड फार रीचिंग सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डिसरप्टिंग इकोनॉमिक्स, एक्सेबरेटिंग इनइक्वालिटी एंड पुशिंग मिलियंस ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। सो कोविड के बाद आप सभी को पता है कि बिजनेसेस बंद हो गए, नौकरियां चली गई, तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग जो है दोबारा पॉवर्टी की तरफ चले गए। ठीक है, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली गई, साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स है इसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज एंड अटेंशन टुवर्ड्स एड्रेसिंग इमीडिएट हेल्थ एंड इकोनॉमिक कंसर्न हैज आल्सो स्लोड डाउन प्रोग्रेस टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अगला है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या कंसर्न है? So one particular concern is the lack of attention towards goals related to environmental sustainability and biodiversity conservation. तो यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम यानी कि पूरी पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है जिन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के अंदर इस पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया था। गोल्स सच एज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड अडॉप्टेशन, इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन की तरफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइफ बिलो द वॉटर, उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड लाइफ ऑन लैंड हैव रिसीव लिटिल टू नो फोकस डिस्पाइट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इंश्योरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो इन एरियाज में हम बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। द फेलियर टू एड्रेस दिस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस नॉट ओनली अडम्बाइज प्रोग्रेस टूवर्ड्स स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बट ऑल्सो पोजेस एक्सटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एंड द प्लैनेट एज अ होल। सो अगर हम एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ऑल्सो यहाँ पे लाइफ बिलो द वॉटर, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो भैया हमें तो नुकसान हो गई है, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ नहीं बचने वाला है। अगला दिक्कत है फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मोर ओवर द करंट अप्रोच टू परसुइंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओफन ऑफन डिफाइज द इंटीग्रेटेड एंड इंडिविजिबल नेचर ऑफ द गोल्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर इंटरकनेक्टेड विद प्रोग्रेस इन वन गोल ऑफन डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस इन अदर्स। हाउएवर द फ्रेगमेंटेड अप्रोच टेकन बाय मेनी कंट्रीज एंड स्टेक होल्डर फेल्स टू रिकॉग्नाइज दिस interlinkage resulting in soiled effort that are unlikely to yield meaningful result. Without a holistic and integrated approach to sustainable development, the overarching goal of balancing human well-being with a healthy environment remains elusive. तो यहाँ पे देखिए fragmented approach देखने को मिला है। देखिए sustainable development goals जो है वो आपस में connected है ना। अगर हम अच्छी नौकरियां provide करेंगे, अच्छी नौकरियां दोगे लोगों को, अगर लोग देखो कैसे कनेक्टेड है समझो, अगर आप लोगों को एजुकेशन देते हो, अगर आप लोगों को अच्छा एजुकेशन देते हो, अच्छा एजुकेशन दोगा तो उनको भैया अच्छी जॉब्स मिलेगी, अच्छी जॉब्स मिलेगी तो भैया वो अच्छी अर्निंग करेंगे, अगर कोई अच्छी अर्निंग करेगा तो अल्टीमेटली वो पेट भर का खाना खा पाएगा। यानी कि भैया यहाँ पे पॉवर्टी इराडिकेट हुआ, यहाँ पे हंगर इराडिकेट हुआ, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इराडिकेट हुआ। एक पढ़ा लिखा आदमी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हुआ। ठीक है, यहाँ पे भैया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बातें डिस्कस करेगा अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो। ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति, अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट होने वाला है और ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है और हमें इसी तरीके से काम करने की जरूरत है। ये बात भी यहाँ पे कही गई है। ग्लोबल कमिटमेंट्स एंड ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। अब समझते हैं वो कौन सी कंट्रीज है और उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किया है एंड ऑल्सो ग्राउंड लेवल पे ये काम कितना पॉसिबल हो पाया। So reaffirmation of commitment by the global leaders given this emerging scenario, the United Nations Sustainable Development Report 2023 identified 5 key areas for urgent action. So यहाँ पे 5 key areas को identify किया गया है जिसके ऊपर urgent action लेने की जरूरत है। ठीक है, commitment of government to 7 years of accelerated, sustained and transformative action to deliver on the promises of SDG. Concrete, integrated and targeted government policies and action to eradicate poverty. तो यहाँ पे देखिए governments अभी भैया जो है 2023 में रिपोर्ट आई थी तो 7 साल है 2030 में, तो
गवर्नमेंट्स को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, रफ्तार को तेज करना पड़ेगा अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है तो बाय 2030। कॉन्क्रीट इंटीग्रेटेड एंड टारगेटेड पॉलिसीज को बनानी पड़ेगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज, ताकि पॉवर्टी को इराडिकेट किया जा सके, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड एंड द वॉर ऑन नेचर विद अ फोकस ऑन एडवांसिंग द राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड एम्पावरिंग द मोस्ट वल्नरेबल। तो इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है एंड ऑल्सो वुमेन को एम्पावर करना है। Strengthening of national and sub-national capacity, accountability and public institution to deliver accelerated progress. तो यहाँ पे infrastructure and also public institutions को और भी ज़्यादा empower करना है। Recommitment to the international community to deliver and mobilize resources to assist developing nation and continued strengthening of the UN development system. तो यहाँ पे देखिए मिलकर जो developing countries है, underdeveloped countries है, उनको भी मदद करना है। World leaders took cognizance of the situation, reaffirmed their commitment and agreed to step up effort to deliver sustainable development goal of a global roadmap out of crisis by 2030. But how far this global pronouncement are operative at the ground level remains a big question. तो यहाँ पे 2023 में जो मीटिंग हुई थी इसमें सभी ग्लोबल लीडर्स ने ये बात कही है कि भैया हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, उन सभी चीजों पे फोकस करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स ऑन नेशनल लेवल, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, क्या बैरियर्स हैं? सो डिस्पाइट द ग्लोबल कमिटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, देयर आर ऑफन सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन रिट्रिक एंड एक्शन एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो कमिटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन में गैप देखने को मिला है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कॉम्पिटिंग प्रायोरिटी एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट कैन हिंडर effective implementation of sustainable related policies and initiative. Moreover, the lack of coordination and coherence across different government department and level of government can result in fragmented and disjointed effort undermining the overall effectiveness of sustainable. तो यहाँ पे national level पे भैया वो कौन से barriers हैं उसे हमने discuss किया, ठीक है? अगला है देखिए Sclory insight and recommendation, कुछ recommendations हैं, जैसे one of the central finding of the study is that while the sustainable development goals have generated discourse and led to some normative institutional reform, their direct political impact at the national and local level remain limited. तो national and local level पे इसके impact को यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। Despite being endorsed by the international community, the sustainable development goals have yet to translate into tangible political outcome in many countries. That highlights the need for a more nuanced understanding of the factors influencing sustainable development goals implementation and the mechanism through which they can drive political change. तो यहाँ पे देखिए necessary जो है political policies लाने की ज़रूरत है by the governments, ठीक है? Systematic approach to realizing sustainable development goals. The study also underscores the importance of adopting a systematic approach to realizing the transformative potential of the sustainable development goal. तो इसकी potential समझने की ज़रूरत है. Involves identifying and managing trade-offs while maximizing co-benefits across different goals by addressing interconnected challenges, ठीक है? For example, initiative aimed at promoting renewable energy can not only contribute to climate action but also support economic growth. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये cascading effect है. ठीक है, टेलर्ड अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटेशन, फर्दरमोर द स्टडी एम्फसाइज़ेस द नीड फॉर टेलर्ड अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इम्प्लीमेंटेशन दैट रिफ्लेक्ट रीजनल एंड नेशनल प्रायोरिटी। वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशन आर अनलाइकली टू बी इफेक्टिव, इनस्टेड पॉलिसी मेकर शुड आइडेंटिफाई लोकली बेस्ट सुटेड एंट्री पॉइंट्स। दिस में इन्वॉल्व टारगेटिंग स्पेसिफिक सेक्टर्स, है ना? तो अलग अलग सेक्टर्स को पे यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन करने की जरूरत है एंड इम्प्लीमेंटेशन को इन्हांस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ स्टडी थी, है ना? एंड कैसे हम चीज़ों को, कैसे पॉलिसीज को बेहतर बना के कैसे हम सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके स्टेप्स ले सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव किया जा सके। ठीक है, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। द असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंडरस्कोर्स द नीड फॉर अर्जेंट एंड कॉन्सर्टेड एक्शन टू एड्रेस एग्जिस्टिंग चैलेंजेस एंड एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस को बढ़ाने की जरूरत है, एक्सेलरेट करने की जरूरत है टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं? 17 बाय 2030। विद 2024 बीइंग एन इलेक्शन ईयर, बहुत सारे कंट्रीज में, मोर देन 60 कंट्रीज में आपको इलेक्शन देखने को मिलेगी। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल एंड अलाइन नेशनल पॉलिसी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पे देखिए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, एंड इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, नई गवर्नमेंट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ
पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगी, तो हम बेहतरीन काम कर सकते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल इनटू गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गवर्नमेंट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग द एसटीजी गोल्स। ठीक है, सो दिस वॉज द सेकेंड न्यूज ऑफ टूडे सेशन। आई होप ये दोनों न्यूज आप सभी को कन्फर्म हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। सेशन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, शर्माइएगा नहीं, डाउट्स पूछना ये आपका राइट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।